नमस्कार दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ हासिल नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। भले ही राजनीति में आना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल। लेकिन तब भी कुछ नाम अपनी पहचान बना ही लेते हैं, कुछ लोग नया कर ही गुजरते हैं। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, कुछ नाम लाखों दिलों में विश्वास का दिया जला ही देते हैं। मेरा सलाम है उन नेताओं को जो कीचड़ कहे जाने वाली राजनीति में आते तो हैं, लेकिन ना कभी अपने कर्तव्यों से डगमगाते हैं और ना ही दूसरों को भटकते देख अपने ईमान को डिगने देते हैं। जो ना हार से डरते हैं और ना ही जीतने पर खुद को खुदा समझते हैं, बल्कि अपने काम को कर्तव्य समझ देश और समाज को नई दशा और दिशा देने में लग जाते हैं। हरियाणा से जुड़े ऐसे ही नेताओं पर, उनके कामों से प्रभावित यहाँ के राजनीतिक इतिहास से ही जुड़ा है हमारा ये शो, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। अभी तक आपने देखा हरियाणा में चौधरी भजन लाल चौधरी देवीलाल के विधायकों को तोड़कर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए, और वक्त आया तो वो अपने सभी 40 विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस में शामिल भी हो गए। इसके बाद हुए 1982 के चुनाव में, जहां चौधरी देवीलाल की पार्टी लोक दल को 31 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को मिली 34 सीटें, जिसके बाद चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन के विधायकों को मिलाकर जरूरी 46 विधायकों का बहुमत जुटा लिया। लेकिन राज्यपाल जीडी तापसे ने उन्हें धोखे में रखकर सरकार बनाने का न्योता चौधरी भजनलाल के अल्पमत गुट को दिया, और साथ ही अपना बहुमत साबित करने के नाम पर जोड़ तोड़ करने के लिए पूरे एक महीने का वक्त दे दिया, जिसके बाद चौधरी भजनलाल अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी सरकार बना तो ली, लेकिन राज्य में बढ़ती अव्यवस्था, राजीव लोंगोवाल समझौते में हरियाणा के हितों को पूरी तरह अनदेखी करने के आरोपों और चौधरी देवीलाल के छेड़े न्याय युद्ध आंदोलन से चौधरी भजनलाल की सरकार को इस कदर नुकसान पहुंचा कि केंद्र ने 1986 में उन्हें हटाकर चौधरी बंसीलाल को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस यहां सरकार को तब भी नहीं बचा पाई। 1987 के चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। यो होया चुनाव 87 का, खुश हो गए सब नर नारी, बनिया जन हित सी मुख्यमंत्री, जो मिल्या बहुमत भारी। यो होया चुनाव 87 का, मुख्यमंत्री मिल्या बहुमत भारी। होया चुनाव 87 का, जनता ने इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। इस बार भले ही चौधरी देवीलाल अपनी सरकार के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन बार बार अपने विश्वास पात्र साथियों के धोखे के बाद अब उन्होंने परिवार को ही अपना सबसे पहला साथी बना लिया था। इसी के साथ उनके सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला का राजनीति में दखल पहले से ज्यादा बढ़ गया। वैसे तो ओम प्रकाश चौटाला में वो हर गुण था जिसकी उनके पिता चौधरी देवीलाल में कमी थी, जैसे किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन कर लेना और पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छे बुरे को समझना। इसी के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता के ज्यादा पास आते गए और चौधरी देवीलाल के आसपास कई पुराने साथी उनसे दूर होने लगे। लेकिन इससे सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। चौधरी देवीलाल तो अपना वही काम करते रहे जो पीछे छोड़ गए थे। किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए, गांवों को मैचिंग ग्रांट दी गई। आज की सरकार बुजुर्गों को दी जाने वाली जिस पेंशन को 1000 रुपए करने को अपनी उपलब्धता मान रही है, कभी इस पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने ही की थी। जब सन 1987 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी।
जो आज पूरे देश में लागू है। चीफ मिनिस्टर बनते ही पहला काम बुढ़ापा पेंशन किया, दूसरा काम जंगलात में हिस्सा किया, तीसरा काम गरीब की बेटी की शादी के लिए पैसे, चौथा काम हर गरीब की चौपाल, समझे, इस तरह के काम उसने किए। इसके अलावा भी चौधरी देवीलाल ने कई नई योजनाएं शुरू की। ये वो समय था जब चौधरी देवीलाल के नाम का सूरज पूरे देश में चमक रहा था। दूसरी तरफ केंद्र की कांग्रेस सरकार पर बोफोर्स घोटालों के काले बादल छाए हुए थे। उनके अपने वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस घोटाले के विरोध में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की हुई थी। चौधरी देवीलाल भी पूरी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ थे। अभी तक चौधरी देवीलाल की पहचान सिर्फ हरियाणा के नेता की ही नहीं, पूरे देश में किसान नेता की बन चुकी थी। जो एक मजबूत नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्हें कांग्रेस विरोध का काफी अनुभव भी था, और उनका यही अनुभव अब पूरे देश में कांग्रेस का तख्ता पलटने जा रहा था। लेकिन कैसे? चौधरी देवीलाल का किया ऐसा कौन सा त्याग आज भी हर हरियाणावासी गर्व से याद करता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति अब एक नए समय पर। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ ही केंद्र में भी कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाने लगे थे। सरकार के मुखिया राजीव गांधी पर ही बोफोर्स तोपों की दलाली लेने के आरोप लग रहे थे। उनके वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। भले ही अब हवा पूरी तरह केंद्र की सरकार के खिलाफ थी, लेकिन चौधरी देवीलाल जानते थे कि भारतीय राजनीति में सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से काम नहीं चलेगा, और एक बार फिर वो अलग अलग समान विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ मिलाने में लग गए। इस बार कांग्रेस के जीतने के कोई आसान नहीं है, और इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अपने कर्मियों से हराने के लिए काफी है। आसान तो 1967 में भी नहीं थे, जब कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं था और वो बिना किसी नेता के चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब भी सरकार इसी की बनी थी। कांग्रेस ना भी जीत पाई तो भी कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं होगी जो सरकार बना सके। लेकिन मिलजुल कर भी तो सरकार नहीं बन सकती ना भाई। 77 में जनता पार्टी का हाल तो आप देख ही चुके हैं, आप तो खुद उस सरकार में थे। जनसंघियों की ताकत बढ़ गई और हमारे जैसे जो समाजवादी विचारधारा के थे वो कमजोर पड़ गए। तो ठीक है, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। उनके बगैर सीटें आएंगी कहां से? बल्कि देखा जाए तो कांग्रेस के बाद वही एक पार्टी है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में पकड़ है। कोई बात नहीं, हम भी एक हो जाते हैं और फिर यही पहचान हमारी भी बन जाएगी। और जब नेता के नाम चुनने की बात आएगी तो हम फिर से बंट जाएंगे। बटे हुए तो हम पहले ही हैं, जब मिल जाएंगे तो कुछ पाएंगे ही, खोएंगे थोड़ी। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात का फैसला अभी हो जाना चाहिए भाई। चुनाव हम लड़ें, जीते हम, और फैसला कोई तीसरा आकर करे। ये फैसला भी उन्हीं पे छोड़ दीजिए, जो लड़ेंगे वो जीतेंगे। हम तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? हाँ, पर पार्टी का मुखिया तो चुनना पड़ेगा ना, कौन होगा वो? उसके लिए आपसे बढ़िया कौन होगा? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कई बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए और सभी ने अब एक पार्टी, एक निशान और एक झंडे तले चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल ने अपने प्रभाव वाले हर क्षेत्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर वोट मांगे। चौधरी देवीलाल ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और भाजपा और वामपंथी के समर्थन से देश में जनता दल को सरकार बनाने का मौका मिल गया।
अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं के एक रहने का ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन यहां भी कई नेताओं के मन में प्रधानमंत्री बनने की वही महत्वाकांक्षा पनपने लगी थी, जिस महत्वाकांक्षा ने कभी जनता पार्टी की सरकार को नुकसान पहुंचाया था। खैर, प्रधानमंत्री के नाम का फैसला करने के लिए पार्टी की मीटिंग हुई। सबसे पहले चौधरी देवीलाल का ही नाम लिया गया। देवीलाल ने हिंदुस्तान के इतिहास को बदला है। हिवादी बहन जिन्हें भी पीछे कुछ प्राइम मिनिस्टर बनाया, ही वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। दिस आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड, वैसे नहीं। और उन्होंने कह दिया फिर मैं नहीं बनता भाई, मैं वी पी सिंह को बढ़ाता हूँ। ये पगड़ी जो आपने मुझे बांधी है वी पी सिंह के सर पर रखता हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए और चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इधर चौधरी देवीलाल ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा, उधर उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ विधायक की सीट से भी त्यागपत्र देना पड़ा। जिन दिनों चौधरी देवीलाल का राष्ट्रीय राजनीति में सितारा बुलंदियां छू रहा था, उन्हीं दिनों उनके परिवार में उनके वारिस की लड़ाइयां चल रही थी, जिसमें एक तरफ थे उनके सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला तो दूसरी तरफ थे रणजीत सिंह। ओम प्रकाश चौटाला को जहां अपने पिता का आशीर्वाद मिला हुआ था, वहीं रणजीत सिंह के साथ रण सिंह, मान, कृपाराम पूनिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोकदल के कई बड़े नेता साथ थे। चौधरी देवीलाल ने रणजीत सिंह को अपनी सरकार में मंत्री भी बना दिया था, जबकि ओम प्रकाश चौटाला ना मंत्री बने थे ना ही विधायक। लेकिन अपने पिता का साथ उन्होंने खूब दिया था। इसी वजह से जब चौधरी देवीलाल ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ महम की सीट खाली की तो उन्होंने दोनों जगह ओम प्रकाश चौटाला के नाम कर दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के एक छोटे से गांव सिरसा में हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला की शिक्षा दीक्षा उनके गृहनगर में ही हुई थी। युवावस्था से ही राजनीति में रुचि रखने लगे थे। वो 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जितनी इसमें काबिलियत, योग्यता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जितनी इसमें है शायद ही बाकी में हो। वैसे जी मैं ओम प्रकाश चौटाला जी को कर्मयोगी कहूंगा कि जिसे कहा जाए कि वाकई सही में किसी ने अगर कर्मयोगी को देखना है तो वो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ देखे। वो पकड़ रखते थे, घूमते रहते थे और जैसा मैंने सुना है कि हरियाणा में विकास भी हुआ उनके समय में। ओम प्रकाश चौटाला पिता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी उनके लिए महम से चुनाव जीतना बाकी था। लेकिन ऐन मौके पर चौधरी देवीलाल के पुराने साथी आनंद सिंह दांगी ने उनका विरोध कर दिया और ओम प्रकाश चौटाला के सामने खड़े हो गए, जिसकी वजह से महम का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। लेकिन ये उपचुनाव होते इससे पहले ही एक निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। ये हत्या किसने की या करवाई, भले ही इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई, लेकिन विपक्ष जनता को यह विश्वास दिलाने में जरूर कामयाब हो गया कि इस हत्या में मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का ही हाथ है। हरियाणा में इससे एक राजनीतिक तूफान आ गया। विपक्ष ने ही नहीं, कई अपनों ने भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी ओम प्रकाश चौटाला की कुर्सी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति पर इन सब बातों का खूब असर पड़ा था। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला को दोषी मान चुके थे और वो चौधरी देवीलाल पर उन्हें हटाने के लिए दबाव डालने लगे। चौधरी साहब, जिस भ्रष्टाचार के विरोध के नारे के साथ हम सत्ता में आए थे, हम भी वैसा ही करेंगे तो कैसे चलेगा? सिंह साहब, अभी ना तो कुछ जांच हुई है ना कोई रिपोर्ट आई, फिर भी आपने मेरे बेटे को गुनाहगार बना दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन जनता तो इस बात को मान चुकी है ना, यानी कि अब सरकार सच्चाई के बलबूते पर नहीं विरोधियों के फैलाए हुए झूठे आरोपों पर चलेगी। सिंह साहब, सरकार को हमेशा दो बातें कमजोर करती हैं, एक जब उसे अहम हो जाए, जिसका खमियाजा इंदिरा ने 77 में भरा था, दूसरा जब उसे वहम हो जाए, जो आजकल आपके दिमाग में भरा है। देखिए चौधरी साहब, चाहे आप इसे मेरा अहम माने या मेरा वहम, लेकिन मैं उस सरकार का प्रतिनिधित्व कभी नहीं करूंगा जो अपने ही आरोपी मुख्यमंत्री को हटा ना सके। चौधरी देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की मांग मान तो ली, लेकिन बिना जांच बिना किसी रिपोर्ट के अपने बेटे को पद से हटाने पर उनमें और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के रिश्तों में अब एक तलखी सी आ गई। भले ही चौधरी देवीलाल ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे सरकार पर कोई आंच आए, लेकिन उनके इस संभावित कदम के डर से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ऐसा कदम जरूर उठा लिया जिससे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल आ गया। क्या था यह भूचाल जिसने विश्वनाथ प्रताप सिंह के राजनीतिक करियर पर एक धब्बा लगा दिया? उन दिनों की सारी बातें बस अभी बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब बिजली पानी ठप हो जाने से आम आदमी बेहद परेशान हो चुका है। सरकार व्यापार नहीं कर रही है, उसका काम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। खबरों की खबर, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। महम कांड के बाद ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं में सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं थे, इसमें उनके भाई रणजीत सिंह का नाम भी सबसे आगे था। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दबाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब जनता दल के दोनों बड़े नेताओं के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। चौधरी देवीलाल ने जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में हर तरह से पूरा साथ दिया था, वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह वक्त आने पर चौधरी देवीलाल का साथ देने की बजाय उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए थे। भले ही चौधरी देवीलाल ने अभी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आने वाले तूफान की आशंका में एक बड़ा कदम जरूर उठा लिया। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे दिया, जिससे पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण लागू करने को हरी झंडी मिल गई। बस ज्वालामुखी को जैसे चिंगारी मिल गई थी। इसी के साथ पूरे देश में एक तूफान आ गया और जगह जगह आरक्षण विरोधी प्रदर्शन किए गए। देश भर में कई जगह चक्का जाम और तोड़फोड़ हुई, कई छात्रों ने खुद को आग लगा ली। इस मुद्दे से राज्य में बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी। चौधरी देवीलाल के ज्यादातर समर्थक आरक्षण के विरोध में थे, और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि उनके नेता भी इस मामले में उनके साथ हैं, उस राज्य में उनके ही समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस राज्य में उन्हीं की पार्टी की सत्ता थी। डाकखाने, रेलवे स्टेशन जैसे कई सरकारी ऑफिसेज में या तो तोड़फोड़ कर दी गई या आग लगा दी गई। राज्य में अव्यवस्था फैलते देख राज्य सरकार को भी इनसे निपटने को कदम उठाने पड़े, जिसकी वजह से सरकार को अपने ही समर्थकों के खिलाफ खड़ा होना पड़ गया। सर, हालात काबू में नहीं है, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा। भाई समझ नहीं आ रहा हमारे तो क्या करें और क्या ना करें, और देखा जाए तो उनकी मांग भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है,
पर ये आगजनी, ये तोड़ फोड़, ये हिंसा, अरे ये सब करकर जनता अपना नुकसान खुद ही कर रही है। और ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। सर काश हालात समझाने वाले होते, फिलहाल वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं, अब उन्हें रोकने से भी काम नहीं चलेगा। सर बल प्रयोग करना पड़ेगा, बल, और इसकी परमिशन आपको देनी है। सर दो दिन में हालात काबू में कर देंगे, दो दिन में। आप क्या कहो जी? सर ये ठीक कह रहे हैं, अगर इनको रोका नहीं गया तो नुकसान हमें ही होना है। ठीक है भाई, जो आपना करना है वो कर लो, और सावधानी से। थैंक यू सर। दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी सरकार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे थे। उन्हें जब अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई तो उन्होंने बोफोर्स घोटाले की जांच में भी तेजी लाने की कोशिशें शुरू कर दी, जिस मुद्दे को भुनाकर वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। इन सब वजहों से अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेचैनी और भी बढ़ गई। राजीव जी के पास दाता था पंजाब केसरी वाला, पता नहीं ये शायद क्लास फेल हो। उन्हें कहा भाई वीपी सिंह मेरे को बहुत तंग करता है, क्या करूं? कहने लगा आप ऐसा कीजिए देवीलाल जी से बात कर लें। बोला वो मेरे से बात कर लेंगे, बोला बड़ा देवता आदमी है। एक कश्मीर में मीटिंग रख दी, वहाँ देवीलाल जी भी गए थे, राजीव गांधी पहुँच गए। राजीव गांधी ने कहा नमस्ते ताऊ जी। बोला देख भाई बात सुन ले, तेरे बाप की मेरी कोई दोस्ती नहीं, तेरी माँ मेरी बहन है, समझा? हाँ मुझे अंकल कहकर बोलिया कर ताऊ जी नहीं। तो फिर वो बोला क्या बात है? बोला मुझे भी पिछिंग करता है। बोला उसको हटा देंगे, आते ही उसको हटा दिया। इन्हीं सब घटनाओं के साथ साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दे रही कई पार्टियां और जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके विरोध में आ गया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उन्हें जैसे ही लगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की लोकप्रियता बेहद कम हो गई है, उन्होंने तुरंत सरकार से अपना हाथ खींच दिया। और जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी, चौधरी देवीलाल उससे पहले ही वैकल्पिक सरकार का बंदोबस्त कर चुके थे। इस सरकार के गिरते ही कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार सत्ता में आ गई। चौधरी देवीलाल एक बार फिर उप प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस भी ले लिया। इसी के साथ हरियाणा में भी मौका पाते ही पार्टी में उनके विरोधियों ने ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को गिरा दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और इसी के साथ देश और राज्य में नए चुनावों की आहट सुनाई देने लगी। वैसे केंद्र से ज्यादा तो इस समय हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। चौधरी देवीलाल इन दो सालों में दो बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जबकि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला इतने ही दिनों में तीन बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। इनमें से एक बार तो वो सिर्फ पांच दिन के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। मेहम कांड का भूत उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय भले ही हर किसी की उंगली ओम प्रकाश चौटाला की तरफ उठी हुई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक हरियाणा में कई सरकारें आईं। इसकी जांच के लिए आयोग का भी गठन किया गया, लेकिन मेहम कांड का सच आज तक जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन इन हालात में भी ओम प्रकाश चौटाला ने साबित कर दिया कि वो भी राजनीति में कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भले ही उनका खूब विरोध हुआ, सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, उनके मंत्री, उनके छोटे भाई भी उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। केंद्र के दबाव के बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, तो उन्होंने एक बार बनारसी दास गुप्ता को और दूसरी बार मास्टर हुकम सिंह को कुर्सी पर बैठा दिया, जो उनके लिए किसी भी तरह खतरा नहीं बन सकते थे। लेकिन इस उथल पुथल का यह नुकसान जरूर हुआ कि उनकी सरकार चाहकर भी कोई खास परिणाम नहीं दे पाई। उनकी उपलब्धियों पर महम कांड की गूंज ज्यादा भारी पड़ी। इस बात की जांच कमीशन बनाया गया
जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला को निर्दोष साबित कर दिया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चौटाला इसमें कोई दोष नहीं था, केवल षड्यंत्र का शिकार ओम प्रकाश चौटाला हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया, जिनका जनता में काफी दबदबा था। चुनाव हुए और चुनावों के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश भौचक्का रह गया। भले ही कांग्रेस ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया, लेकिन चुनावों के दौरान उन्हें इसका फायदा भी खूब मिला और कांग्रेस एक बार फिर देश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई और केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस सत्ता में वापस लौट आई। भले ही केंद्र और राज्य दोनों जगह चौधरी देवीलाल की पार्टी हार चुकी थी, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उस पर आज भी हरियाणा वासियों को अपने नेता पर नाज है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के वो इकलौते नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, जिन्हें पूरे देश में किसानों और जनता का इतना व्यापक समर्थन हासिल था, जिसने दो बार चुनाव ना लड़ने और मुख्यमंत्री ना बनने की कसम खाई थी और इस कसम को निभाया भी था। शायद वो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो बिना विरासत के संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री पद के इतना करीब पहुंचे थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनने का न्योता भी मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। आज हमारा ताऊ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी शुरू की गई कई योजनाएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। खैर, अब विरासत नई पीढ़ी के हाथों में है। 1991 के चुनावों के बाद हरियाणा में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार हरियाणा की बागडोर किसके हाथों में आई? उन दिनों की पूरी यादों और बातों के साथ अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। फिलहाल यशपाल शर्मा को